क्योंकि आपको लगता है कि कहीं गेम में रिश्ता पीछे छूट गया था या नहीं? डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा था, मतलब जिस तरह से हम एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गलत था, वो देखने में, सुनने में, और एक एक उस रिश्ते की अहमियत के तीनों माध्यमों से वो गलत था. बट उस प्रेशर में मैम नहीं समझ में आ रहा था. और आप वहाँ कोई, वहाँ सब एक दूसरे को जज कर रहे हैं, वहाँ कोई रिश्ता रियल नहीं है. उस उधेड़ बुनों में आप, मैं इतना ज़्यादा कंज्यूम रहता था कि डेफिनेटली मैं एक बैलेंस वहाँ नहीं बना पा रहा था. उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आ रही थी, लेकिन वो सब घर से निकलते सब फीड आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. मम्मी जी नाराज़ हैं अभी भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब यू नो, अपने बच्चों से मिलने के बाद आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती है. वो एक पैनिक होता है जिसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जो शब्द निकले वो सही थे, वो शब्द डेफिनेटली सही नहीं थे. और जिस तरह की हम लोग की फैमिली है और हम लोग जिस तरह से हैं एक दूसरे के साथ, इतना इतनी अंडरस्टैंडिंग से हम इतने, मतलब मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बहन है, हम सब आज भी फैमिली का पूरा पार्ट है और हम सब बहुत अच्छे से रहते हैं. तो शायद किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया और अचानक से कुछ रिएक्शंस निकले जो सही नहीं थे. बट अभी सब ठीक है, सब लोग. कंगना ने भी सपोर्ट किया था मम्मा को? मतलब कंगना, हम बहुत अच्छे से उनको जानते हैं और अंकिता, उन्होंने काम किया साथ में, तो उनकी हमेशा ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती है. तो वो कुछ लोग थे जो हमारी जर्नी, जब हम अंदर थे और मम्मी लोग या परिवार परेशान थे, तो वो कंटिन्यू कंगना मैम, एकता मैम, ये सब लोग परिवारों से जुड़ी हुई थी और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी. तो आई वुड रियली लाइक टू से थैंक्स टू देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स दैट यू नो शी दे वर रियली कंसर्न्ड अबाउट अस. एंड सो यू नो दैट, ये टाइम प्रूफ होता है कि कौन लोग हैं जो आपको दिल से आपकी चीज़ों से जुड़े होते हैं. Yes. कौन लोगों को सिर्फ एक सुपरफिशियल रिलेशन में मतलब रहता है. कहीं टिपिकल पति की तरह माँ और पति के बीच में फंसा हुआ महसूस करते थे? यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं जो आते हैं ना, अल्टीमेटली हम सब अपनी ज़िंदगी में वो सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि हम वहाँ थे ही नहीं सॉल्व करने के लिए. तो जो कम्युनिकेशन गैप बन गया था ना, ये उसका रिजल्ट था. तो जब लाइफ में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप होते हो उस चीज़ को समझने, समझाने के लिए, आप स्टैंड लेते हो, तभी रिश्ता ए से शादी तक पहुंचा है. क्योंकि हमने हर जगह वो स्टैंड लिए हैं एक दूसरे के लिए जहां लेने थे. बट सच में जैसा लगा वैसा उसके आसपास भी नहीं है और सब बहुत पीसफुल है हम लोग की लाइफ में, सब बहुत अच्छा है. मतलब वो सिर्फ उस घर में वो चीज़ है जिसकी वजह से आप नहीं रह पाते वैसे.